जय श्री राम सभी को। हम कर रहे हैं चेस्ट का वर्कआउट। चेस्ट की 6 एक्सरसाइज हैं। सबसे पहली है फ्रंट बेंच प्रेस, बारबेल प्रेस से करनी है हमको, और उसके 8-8 के 4 सेट हैं। अपने अकॉर्डिंग वेट रखना है, हर बार आपको चेस्ट से टच करना है। ये अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है। ये सेकंड एक्सरसाइज है अपनी इक्लाइन डंबल प्रेस, इसके भी 8-8 के 4 सेट हैं। वेट कितना भी रहना है पर सेट इसके 8-8 के 4 ही करने हैं आपको, अपने अकॉर्डिंग वेट लेना। मैंने तो ये 90 केजी से कर रहा हूँ मैं, आप अपने अकॉर्डिंग चलना। ये अपनी थर्ड एक्सरसाइज है 20 डिग्री इक्लाइन डंबल हैमर है, इसके 12-12 के 4 सेट करने हैं, अपने अकॉर्डिंग वेट लेना है। मैं तो ये 50 केजी से कर रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग चलना वेट लेके, और अगर रेपिटेशन ज़्यादा आते हैं तो वेट को इनक्रीज कर लेना। चेस्ट में पंप अलग ही दिखाई देगा आपको। ये अपनी चेस्ट की फोर्थ एक्सरसाइज है केबल क्रॉस ओवर, स्लो स्लो एक्सरसाइज करनी है, एकदम फास्ट नहीं करनी है, और 15-15 के 4 सेट हैं। हमारी 4 एक्सरसाइज हुई हैं पर 4 एक्सरसाइज में चेस्ट बहुत बुरी तरह से पंप हो चुकी है, चेस्ट में पावर भी नहीं है कि अभी 2 एक्सरसाइज और बाकी हम कर लें, पर कोशिश तो करेंगे कि करनी है वो सब। ये अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज है पैक डक फ्लाई, स्लो स्लो करनी है, इससे चेस्ट बहुत अच्छे से पंप होती है। 15-15 के 4 सेट करने हैं, स्लो ही लेकर आनी है, स्लो ही वापस लेकर जानी है। आप मेरी एल्बो को देख सकते हो कि एल्बो किस तरह से रखनी है। ज़्यादातर लोग वक्त पैक डक फ्लाई को गलत करते हैं, एल्बो को स्ट्रेट कर देते हैं शोल्डर की तरफ, ऐसा नहीं करना है आपको। ये अपनी चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज है पुशअप, 3 सेट करने हैं, तीनों सेट फेलियर करने हैं। कोशिश करना 20-20 के सेट हों कम से कम, क्योंकि फेलियर तो फेलियर ही होता है। चेस्ट को पूरा नीचे लेकर जाना है, स्लो स्लो एक्सरसाइज करनी है। ये अपनी एक्सरसाइज होगी ख़त्म। जय श्री राम सभी को।